अरे भाई चल जाओ। आप देखो उसमें स्टार्ट हुआ क्या। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर, गणित का डर खत्म। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम बातचीत करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट की। आपको पता होगा आप लोगों के लिए 20 टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने का बोला था, जिसमें आज हमारा ये नेक्स्ट टेस्ट है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सारे के सारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा आज सेशन डिले हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि सेशन को कंटिन्यू करता हूं। मान लो अभी कोई बच्चा नहीं देख पाएगा, पर मॉर्निंग में जरूर देख लेगा, है ना। चलो मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर देता हूं। थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन जो आज का हमारा सेशन है उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। चलिए तो सारे के सारे स्टूडेंट एक बार इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लो। और उम्मीद करता हूं कि सुपर 30 टेस्ट सीरीज जो रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए हमने लॉन्च की ऐप के ऊपर, उसकी फीस ओनली 49 रुपीज हमने रखी है। जिसको भी ज्वाइन करना है उसमें आप लोगों के 30 टेस्ट होने वाले, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज है, उसमें वीडियो सॉल्यूशंस नहीं है, सिर्फ आप लोग अपनी स्पीड वगैरह उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसका दूसरा टेस्ट भी आज अपलोड हो चुका है, कल पहला टेस्ट अपलोड हुआ था और आज दूसरा टेस्ट, ओके। ऐसे आप लोगों के 30 टेस्ट आने वाले उसमें, और फिर एक मेगा टेस्ट होगा। कुल मिलाकर आप लोगों के 1000 प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और साथ ही हमने सभी कोर्सेज पर 11 से लगाकर 20 अप्रैल तक सारे कोर्सेज के ऊपर आप लोगों के लिए डिस्काउंट रखा हुआ है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। चलिए बहुत बढ़िया, धीरे धीरे बच्चे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 साल बाद 27:25:14 होगा, तो माता जी की वर्तमान आयु क्या होगी। आप लोग भी प्रयास कर रहे होंगे, इतनी मेहनत कर रहे होंगे, हम लोग भी इतनी रात को भी आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेकर आए। थोड़ा डिले हो गया था, इस वजह से अभी हम लोग लेकर आए, ताकि आपकी, मान लो अभी आप नहीं देख पाओ तो मॉर्निंग में तो इस सेशन को जरूर देखो, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। चलो, पिताजी और माताजी को हमेशा, मैंने एक बात बोली है, जब भी 3 रेशियो का क्वेश्चन आए आपको उस वैल्यू को हमेशा जरूर इंक्लूड रखना है जिसके बारे में पूछा गया है। जैसे माताजी की आयु पूछी है, तो या तो आप पिताजी और माताजी का रेशियो लीजिए, या फिर आप माताजी और पुत्री का। अगर आप पिताजी और पुत्री के रेशियो से सॉल्व करेंगे तो फिर उसमें डायरेक्ट आप मल्टीपल नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना, सिंपल बहुत इजी प्रोसेस है। पिताजी और माताजी की आयु का क्या अनुपात था बोलो, 22:20। बताओ इसमें कोई कंफ्यूज है। 10 साल बाद कितना बोलो, 27:25। तो पहले में भी 10 जोड़ लीजिए, सेकंड में भी 10 जोड़ लीजिए, नया रेशियो 27:25। चलो आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, बाद का अंतर बटा क्रॉस अंतर। लेकिन मुझे सभी विद्यार्थियों को समझाना है, तो इस हिसाब से एक बार सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। वज्र गुणा करते हैं हम लोग, ये हो गया 550 बराबर में 27 × 54 यानी 540 से प्लस 270। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर लिया तो 10 ए बचा, और 270 में से 250 गए तो 20, तो यह हमारा एक अनुपात कितने का पड़ा, 2 का। हमें किसकी उम्र पूछी गई है, माताजी की उम्र पूछी गई है। तो माताजी का पहले रेशियो कितना था बोलो, 20। तो माताजी की उम्र हो जाएगी 20 × 2 = 40 ईयर। और आप बताइए कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में मौजूद है। अब आप सोचिए कि सभी लोगों का आंसर 40 बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, क्लियर है। चलो एक बार बढ़िया से, एक बार मैं सभी बच्चों को और इन्फॉर्मेशन एक बता देता हूं कि जैसे ही हमारे ये 20 टेस्ट कंप्लीट होंगे, मैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर की, जैसे अभी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की सीरीज है, बिल्कुल मैं आपके यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। ये सेशन एंड होते ही, 20 टेस्ट सीरीज कंप्लीट होते ही, यूपीएसआई के लिए ऐसे कैसे 20 से 25-30 टेस्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे हम लोग। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा, जितने भी हमारे यूपीएसआई के विद्यार्थी, उन सभी बच्चों के लिए, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, कितने घंटे में तैरता बोलो, 5 घंटे में। फिर हमें बोला गया यहां से एक इंपॉर्टेंट बात, तो धारा की गति कितनी होगी। यानी मैं आपसे सिंपल भाषा में एक बात कहना चाहूं तो हमें अनुकूल चाल पता है, हमें प्रतिकूल चाल पता है। हमें यहां से धारा की चाल पूछी गई या फिर नाव की चाल, कोई भी आ सकती है हमारे एग्जाम में, अगर हमें अनुकूल और प्रतिकूल पता हो तो। अच्छे से दिखाई दे रहा, अच्छा पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर देता हूं।
इतना टेंशन मत किया करो, सब चीजें सही हो जाएगी, निश्चिंत रहो। चलो ओके ओके चलो। तो एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत, तो देखो ये धारा के विपरीत चाल होगी, ये अपनी मान लीजिए नाव है, ये धारा चल रही है, ये होगी हमारे प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल कितनी हो रही है बोलो, चाल लानी है ना, चाल बराबर होता है दूरी बटा पी का, मतलब प्रतिकूल से लिख दो, चाल बराबर दूरी बटा समय, 4/5 तो आई 0.8 किलोमीटर पर आवर। और यही अगर मैं बात करूं अनुकूल की, ये सेम डायरेक्शन में, तो आप बताओ अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, यहां 16 किलोमीटर 5 आवर में, तो 16/5 5 3 15 एक बचा 3.2 किलोमीटर पर आवर। अब सुनिए, अनुकूल पता है प्रतिकूल पता है, मैंने आपको सिखा रखा है नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, और अगर धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटाकर 2 का भाग। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों को अगर घटाकर 2 का भाग देंगे तो 12 में से 8 के 4 2.4/2 तो हमारा रिजल्ट आएगा 1.2 किलोमीटर पर आवर। और जिस बच्चे ने ये सी ऑप्शन सोचा है वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। ओके चलिए जल्दी से इसको लिख दीजिए। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, इतना लेट सेशन होने के बावजूद भी आप सभी इस लाइव सेशन में जुड़े, बहुत अच्छा लगा, मतलब आप शिद्दत से अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे की ओर, बताइए जल्दी से, वापस ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल दे रखा था, अनुकूल दे रखा था। देखो चाल हमें खुद लानी पड़ेगी, चाल होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, प्रतिकूल था अनुकूल था धारा की चाल होता है अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा दो रिजल्ट। क्या मुझे इसी क्वेश्चन में नाव की चाल बता सकते हो, एक बार जल्दी से बताओ, क्या मुझे इसी प्रश्न में आप नाव की चाल बता सकते हो, ताकि पता चले भी वाकई में आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, जल्दी से बताओ। इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि बोट की स्पीड क्या होगी, तो क्या बताया था, बोट की स्पीड के लिए मैंने बोला था अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा दो, और जोड़ेंगे तो आएगा 4/2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। बताओ मेरी बात समझ में आई, 2 किलोमीटर पर आवर अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा दो, ध्यान रखना डिवाइड टू करना है। अब एक चीज सुनना, 2 और 1.2 को जोड़ोगे तो बताओ 3.2 आएगी, और 2 और 1.2 को घटाओगे तो बताओ 0.8 आएगा। अनुकूल में हमेशा जुड़ती है और प्रतिकूल में हमेशा घटती है, इससे क्या होता है कि हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है और हमें ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ बोट की स्पीड कितनी है, धारा की स्पीड कितनी है, और अनुकूल कितनी है और प्रतिकूल कितनी है। अनुकूल नाम तो क्लियर है ना, जिस बच्चे को इसकी जानकारी नहीं है कॉपी में लिख सकता है, अनुकूल का मतलब समान दिशा होती है और वहां पर नाव धारा में चालों का योग होता है, और प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा होती है, वहां पर चालों का अंतर होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो, श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए एक्स रुपए जमा करता है, जो रुपए 72,900 है, तो एक्स का मान क्या होगा? देखो हमारे पास जो दर होगी वो 8% है, और जो समय है ना वो 2 वर्ष है। ओके, और कितने रुपए जमा करता है? 72,900, तो एक्स का मान, यानी इतने रुपए जमा कर दिए, ये आपका मिश्रधन हो गया। मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन हो गया 72,900, और अब हमें पूछा है मूलधन क्या होगा। चलो एक बार आप लोगों को समय दिया जा रहा है, आप प्रयास कीजिए और बताइए कितना उत्तर होने वाला है। कितने बजे लाइव होती है? वैसे लाइव सेशन हमारा 9 बजे होता है, आज किसी कारणवश नहीं हो पाया इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। सुपर 30 टेस्ट कैसे परचेज कर सकते हैं? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो हमारी ऐप जो है ना ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर अवेलेबल है। चलो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहां अगर मूलधन लाना हमें, आपने एक चीज नोटिस की, ये सारी वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम है, इसका मतलब ये जो राशि हमारी ब्याज समेत राशि है, मूलधन लाने के लिए 72,900 इंटू 8% की दर है, तो देखो 100 पर 8 कहां पहुंचे? 108। 100 पर 8 कहां पहुंचे? 108। मुझे बताओ मैंने ऊपर 100 क्यों रखा? क्योंकि हमें यहां पर मूलधन लाना है, ये मूलधन को दर्शाते हैं, ये मिश्रधन को, और 8% हमारे ब्याज की दर है। ओके चलो,
कैंसिल करते हैं यहां से 25 से चार बार और ये कटेगा, चार बार कैंसिल करेंगे, चार दुनिया आठ दो सात 27 बार, फिर 25 से चार बार ये 27 से कटेगा, 27 का स्क्वायर होता है 729 तो हो गया 100 बार, 25 × 25 625 × 100 करोगे रिजल्ट आएगा 62,500। तो जिन होनहार विद्यार्थियों का उत्तर 62,500 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही है। ओके चलो, तो ये आप लोगों का परफेक्ट आंसर होने वाला है। क्या सर आपकी कोई बुक है क्या? देखो अभी हमारी जो बुक है वो पीडीएफ फॉर्मेट वाली जो बेसिक वाली बुक है वही हमारे ऐप के ऊपर उपलब्ध है, लेकिन जल्दी हमारे और जयपाल जी सर की एक शानदार बुक आने वाली है रेलवे वाले बच्चों के लिए, जहां पर रेलवे वाले जो बच्चे हैं उसको ध्यान में रखते वो बुक तैयार की जा रही है, बहुत ही जल्द आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। और जल्दी ये सोच रहे हैं कब तक आप लोगों के पास वो बुक अवेलेबल हो पाए उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, है ना। चलो पहले ये बताओ हमने दो बार मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि समय दो साल था। हमने 100 को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि ये हमारे अमाउंट को दर्शाता है, सर इसको प्रिंसिपल को दर्शाता है और ये हमारे अमाउंट को दर्शाता है मिश्रधन को, तो ये हमने दो बार मल्टीपल किया है। ओके चलो इसका आंसर दीजिए कितना होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, देखो मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक सिंगल क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर कर लिया उठाया ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने एग्जाम के अनुसार प्रैक्टिस करो। आप कितनी शिद्दत से पढ़ रहे, कितनी मेहनत से पढ़ रहे, ये आपके ऊपर निर्भर करने वाला। हम हमारे एंड से एक पूरा प्रयास एक पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप एग्जाम से पहले अपना एक एग्जाम देकर जाएं। ओके अब आप इन चीजों को कैसे पढ़ते हैं ये आप पर निर्भर करेगा। आप अगर इनको ऐसे समझ रहे हो कि यूट्यूब पर मिल रहा है सब फ्री मिल रहा है इसको लाइटली पढ़ रहे हो तो ये आपकी है, कि कल इसकी अहमियत जब एग्जाम देकर आओगे तो सोचोगे अरे ये प्रश्न तो ये सारे सेशन में करवाए गए थे, पढ़ के जाते तो आज हम 25 में से 25 सॉल्व करके आते, 30 में से 30 सॉल्व करके आते। लेकिन वही बात है कि कितनी शिद्दत और कितनी मेहनत से आप चीजों को अभी पढ़ रहे हैं। ओके चलिए, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम, अब देखो बहुत सारे बच्चों के लिए भिन्न तो नई बात नहीं है, लेकिन ये व्युत्क्रम वर्ड आता ना ये अपने आप में वर्ड नई बात होता है। व्युत्क्रम क्या होता है थोड़ा सुन लो, अगर मैं कहूँ ना 9 तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/9, मैं कहूँ 5 तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/5, मैं कहूँ 7/9 तो इसका व्युत्क्रम होता है 9/7। पहले बताओ मेरी बात क्लियर हुई, किसी भी नंबर के व्युत्क्रम का मतलब उसका रिवर्स होता है। आपको भी इसमें रिवर्स कैसे हुआ, देखो 9 के बटे में 1 बोल सकते हैं, 9/1 का व्युत्क्रम 1/9। ठीक है क्या मेरी बात क्लियर हुई, व्युत्क्रम क्या होता है भिन्न क्या होती है वो क्लियर। अब एक तो आप ऑप्शन से सोचो, देखो पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूं, एक भिन्न थी मान लो x भिन्न थी और इसका व्युत्क्रम तो देखो 1/x, इसका मान कितना है वो 5/1/5। क्या मैं इसको सरल कर दूं, 5×25 और 1/26/5, फिर मैं आपको ऑप्शन से भी सिखाऊंगा निश्चिंत रहो। वजह गुणा कर लो, x² + 1/x बराबर कितना हुआ 26/5। अरे अभी देखो x × x क्या बड़ा, x² + 1/x वजह गुणा कर लो यहां से तो ये आ जाएगा 5x² + 5 बराबर में 26x, प्लस का 26 इधर आके माइनस का 26x = 0। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है हमें, 5×5 इसको मैं थोड़ा अरेंज कर दूं ऐसे, देखो 5x² - 26x + 5 = 0। 5×5 कितना होता 25, 25 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने के बाद, जिनको गुणा करने पर तो 25 आए और उनका जो डिफरेंस है वो 26 का होना चाहिए। बिल्कुल 25 का पाड़ा एक बार बोल दो, -25 × 25, अब देखो 25 × 25 ही होता, लेकिन इसमें से ये घटाओगे -26 + 5, तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी, देखो कॉमन क्या आ रहा 5x, तो x - 5, यहां से -1 कॉमन आ रहा है तो यहां भी x - 5, दो टुकड़े बनेंगे, एक बनेगा x - 5 और एक बनेगा अपना इधर देखो 5x - 1, इन दोनों को किसके बराबर रख दो 0, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा x - 5 = 0, तो x = 5, और ये हो जाएगा 5x - 1 = 0, तो x - का 1 उधर जाके प्लस का, ये गुणे में 5 इधर आके भाग का, तो x का मान आ जाएगा 1/5। तो या तो अपना उत्तर होगा 5 या फिर उत्तर होगा 1/5। अब आप बताओ जल्दी से कौन सी वैल्यू होगी, तो आप बताओ 1/5 हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में मौजूद है। और अगर समझदार होते आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे, देखो 2×2 = 1, 3/2, इसका व्युत्क्रम बोलो 2/3, क्या इनको जोड़ने पर 26/5 आ रहा है क्या, नहीं आएगा,
ठीक है। दूसरा वैल्यू देखो, छह कम छह और एक सात बटा छह प्लस छह बटा सात, सात चंग बयालीस, इनको जोड़ने पर भी कभी छब्बीस बटा पांच नहीं आएगा, एक बटा पांच। तो देखो एक बटा पांच का व्युत्क्रम पांच बटा एक, एलसीएम बोलो पांच, एक प्लस पांच पच्चीस, तो देखो बिल्कुल छब्बीस बटा पांच। तो आप पूरा मेथड भी फॉलो कर सकते हो और आप ओनली ऑप्शन से भी हल कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करने वाला, आप बातों को कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों मेथड है, बेसिक मेथड पूरा द्विघात समीकरण को हल करके, और इसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। एसएससी जीडी के लिए बेस्ट क्लास कौन सा है? एसएससी जीडी के लिए हमारा मैथ्स का जो बैच है उसका नाम है जय हिंद बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो, और हमने एक पूरा प्रयास किया भी हमारे चैनल ट्रिकी मैथ्स ने, कि जो मैथ्स के प्रति आपका डर होता है, मैथ्स को शुरू कैसे करना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आती है। एक सामान्य स्टूडेंट को जब शुरुआत करता है, जिस विद्यार्थी के कभी आर्ट सब्जेक्ट रहा हो, कॉमर्स सब्जेक्ट रहा हो, जिसने आठ या दस पंद्रह साल बाद पढ़ना शुरू किया हो, तो हमारा वो प्रयास रहता है हम उस स्टूडेंट को भी लेकर चले। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आकर बड़ी बड़ी बातें बोल दी या फिर वो ये प्रचार कर दिया, वो ये है या वो है, जो भी है। देखो स्टूडेंट को सब पता है कि कौन कैसा है और कौन क्या चीज पढ़ा रहा है। स्टूडेंट के लिए टीचर वही बेस्ट होता है जिनकी बातें उनको समझ में आती, चाहे आपको मेरी बातें समझ में आ रही है और भी किसी भी टीचर की, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपको कहां से चीजें समझ में आ रही है, फिर वह शिद्दत से पढ़ाई शुरू की। जिस भी चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, एक बार एक चैनल को डिसाइड कर लो कि यहां से हमें पूरी प्रॉपर तैयारी करनी है, जिस भी माध्यम से, चाहे उनका यूट्यूब पे कोर्स हो, चाहे उनका पेड कोर्स हो, जिस भी टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, पर शिद्दत से फिर पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन जब ग्रुप डी का विद्यार्थी देखता है ना, तो अपने आप में वो ऐसे ही घबरा जाता है कि पता नहीं ये कहीं अजीबोगरीब प्रश्न कहां से आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई बोनस मार्क मिलने वाला है। चलो ओके, चलिए क्वेश्चन क्या एक बार मैं रीड कर लेता हूं यहां पर आप सभी बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा। एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारे पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय किया। उन्होंने क्या किया कि भाई ये पुराना स्टॉक चला जाए तो इसके लिए क्या करें, इसको एक इसकी लागत भी मिले, परिवर्तनीय लागत पाने का निर्णय किया। ऐसे में उसने कम के प्रत्येक सेट को, ठीक है कब होगा वहां, कम नहीं होगा ये कब होगा, कब के प्रत्येक सेट को 399 रुपए में बेचा, जो नियत लागत कुल लागत की 24% है। जो नियत लागत है वो कुल लागत की 24% है, यानी 24% उसको लागत यहां मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो कम से कम प्रत्येक सेट का लागत मूल्य क्या होगा, वो कह रहा है मैं 399 में बेच रहा हूं और यहां पर उसको नियत लागत कुल लागत की 24% है, यानी एक तरह से उसको 24% का डिस्काउंट यहां मिल रहा है। तो इसका मतलब वो कितने रुपए चुका रहा है, सिर्फ 76 रुपए। तो आप बताओ, मूल कीमत लानी थी 100 मूल हो गई यहाँ 76, चार के पहाड़े में 25 बार, चार के पहाड़े में 19 बार। आपका उत्तर देखो क्या आ रहा, जल्दी चेक करो, 19 से 19 दूना 38, एक बचा 19 से कम 19, क्लियर है। 25 से कम 25, दो 25 दूना 50 और दो 52, तो उसकी मूल लागत कितनी आ जाएगी, 525 रुपए, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब सोचिए किस बच्चे का आंसर 525 आ रहा है, वो बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा, क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा हमारा, 525। ये 76 कैसे आया, 24% का उसने लागत से कम किया है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। यह क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए, मैं चाहूंगा कि एक बार उत्तर दो, क्योंकि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन कल वाले में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, कल वाले पेपर सॉल्यूशन में मैंने बोला था एलसीएम लेते हैं तो शेषफल को जोड़ा जाता है, एससीएफ में पहले शेषफल को घटाया जाता है फिर जोड़ा जाता है। सीजीएल वाली पोस्ट बहुत बेहतरीन है अभी, सुदीप सिंह, सीजीएल वाली पोस्ट बेहतरीन होगी भी, ग्रुप डी से आप कंपेयर कर रहे हो। चलो 100 माइनस 24 76 होगा 76। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कितना आंसर होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारे पास क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 63, 77 और 98 को विभाजित
देखो जब ये वर्ड बोले ना इनको विभाजित करने पर तब आपको SCF लेना है, और जब बोले ना इन से विभाजित करने पर तब आपको LCM लेना। धीरे धीरे ये अप्रोच आप सीखोगे ना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत कहां होती है, शुरुआत ही नहीं कर पा रहे कि इस प्रश्न में पढ़ तो लिया समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे LCM लेना है मुझे SCF लेना है। तो एक छोटे छोटे कुछ वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं आपको कि यहाँ LCM लेना है SCF को दर्शाना है। तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जब प्रश्नों को पढ़ोगे लैंग्वेज समझ में आएगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो भी वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 63, 77 और 98 से भाग दें तो क्रमशः पहले वाले में 3 बचे, दूसरे वाले में 5 बचे, तीसरे वाले में 2 बचे। वो कह रहे हैं जब हम 63 से डिवाइड करें तब 3 बचना चाहिए, जब हम 77 से डिवाइड करें तो 5 बचना चाहिए, और जब हम 98 से डिवाइड करें तो 2 बचना चाहिए। तो यहां से रिजल्ट बना 60 या 72 या 96, आपको क्या करना है, इन तीनों का अब क्या लेना है, SCF लेना है। और आपको भी पता है 10 का भाग 72 में जाएगा नहीं, 9 का भाग 60 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, 8 का भाग भी 60 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो SCF 6 होगा। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा 6। तो जिस विद्यार्थी ने यहां 6 आंसर सोचा वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। ओके चलो लिख दीजिए इसको बढ़िया से। इस टेस्ट सीरीज के एंड होते ही हम लोग UPSI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम लोग यहाँ 20 टेस्ट पढ़ रहे हैं वैसे भी वहां पर भी हम 20 से 25 टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित, और एक एक शिफ्ट का रवित नाम के साथ यहाँ लिखा रहेगा कि कौन सी शिफ्ट में 2017 के इस पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट जब भी आपका प्रश्न था। इससे क्या होता है आप भी जब मान लो कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उन प्रश्नों को ढूंढ सकते हो ये क्वेश्चन में अगर करवाया गया है तो सब बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है सभी को, 6 आंसर यहां पर बनने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगुने से 3 अधिक है तो बताओ वो संभावित संख्या क्या होगी, जल्दी से बताओ। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगुने से 3 अधिक है तो बताओ वो संख्या क्या होगी। यहां पर दो दो संख्या दी हुई है, देखो ध्यान रखना क्वेश्चन ये है कि संख्या का वर्ग, मान लो एक संख्या x थी, x का वर्ग उसी संख्या के दुगुने से, उसी संख्या का दुगुने से 3 अधिक है तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। देखो दुगुने से 3 अधिक है, अधिक और कम क्या दर्शाते बोलो अंतर, तो यहां से कॉमन क्या बढ़ जाएगा बोलो x, तो x माइनस 2, यहां से माइनस 1 तो x माइनस, तो फिर परफेक्टली वैल्यू, अच्छा सॉरी, तीन के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 2 आता हो तो 3 एकम 3 प्लस का x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 3 या माइनस का 1 या प्लस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 3। ओके दो गुणनखंड बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 1, तो आप बताओ क्या क्या वैल्यू बनेगी अगर इनको 0 के बराबर, x माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का और x प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो आंसर होगा माइनस 1 प्लस 3, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर लोगे, माइनस 1 का दुगुना 2 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर तो वो हो जाता है 1, माइनस 1 का स्क्वायर इसका दुगुना माइनस 2 होता है, इनके बीच गैप 3 का पड़ता है, वैसे क्या वैसे 3 का दुगुना होता है 6 और 3 का स्क्वायर होता है 9, और आप बताओ इनके बीच गैप कितने का पड़ा 3 का। ऑप्शन से भी कर सकते थे लेकिन एक तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट वन, ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर निवेश प्रारंभ किया, यदि निवेश के समय का अनुपात टाइम का रेशियो 4:5:6 है तो इनके लाभ का क्या अनुपात होगा। देखो अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा तो अच्छे से एक चीज क्लियर होगी कि जब राशि समान होती है तो बंटवारा टाइम के रेशियो में होता है, और जब टाइम समान होता है तो बंटवारा राशि के अनुपात में होता है, लेकिन अगर तीनों समान, तीन दोनों ही अलग अलग हो तो इनका बंटवारा इनके मल्टीपल के अनुपात में होता है। इसने पूंजी लगाई 2, इसने लगाई 3, इसने लगाई 5, इसका टाइम था 4 तो देखो 4 से गुणा, इसका टाइम था 5 तो देखो 5 से गुणा, और इसका टाइम था 6 से गुणा, तो देखो 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15 और 6 × 5 = 30, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। और आप बताओ ये आपके कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है सभी को,
क्लियर है सभी को, ये आंसर आपका बनना चाहिए। आप साझेदारी पढ़ते हैं तो एक चीज हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा, ओके, वो ये है कि जैसे अगर यहां पर रुपए समान हो तो बंटवारा टाइम के रेशियो में, टाइम समान हो तो बंटवारा रुपए के रेशियो में, और जब दोनों असमान हो तो बंटवारा इनके गुणनफल के रेशियो में। समझ में आई बात? देखो रुपए बराबर थे तो T1 T2 यानी समय का अनुपात, जब समय बराबर था तो रुपए का अनुपात, और जब दोनों अलग अलग थे तो इनके गुणनफल का। ये चीज आपको यहां पर पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट वन। यदि टमाटर की कीमत में 25%, ये एक बार ही 25 से डबल दिया, 25% की वृद्धि हो जाए तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। हुई तो 25 की वृद्धि है लेकिन वो चाहती है कि 15% ही इंक्रीमेंट होना चाहिए, ओके। फिर हमें बोला है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की कीमत में कमी की गणना कितने प्रतिशत होगी? ध्यान देना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। 100 से देखो टमाटर की कीमत 25 बढ़ी, कहां पहुंचे हम लोग? 125। अगर आपको पता है क्वेश्चन आपको प्रतिशत में मैंने करवाया, कोई भी बैच में आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन कराया जाता है यथावत रहे अपरिवर्तित रहे। भाव बढ़ गया लेकिन वो अपरिवर्तित रखना चाहता है कमी करके, भाव घट गया है तो वो अपरिवर्तित रखना चाहता है बढ़ाकर। तो वैसे ही यहां ध्यान दीजिएगा, भाव बढ़ गया लेकिन वो उसको कम करना चाहता है, लेकिन वापस वो नहीं लाना चाहता अपरिवर्तित, वो कह रहा 15 बढ़ेगा तो चलेगा, यानी 125 को 115 ही रखना चाह रहा है। तो आप तो 125 से 115 तो उसको कमी कितने की करनी पड़ेगी? 10 की। कितने पर करनी पड़ेगी? जब दो जनों की तुलना हो तो वृद्धि या कमी फर्स्ट पर परसेंट के लिए कौन सा? क्लियर है? चलो 5 के पहाड़े में 20 बार 5, 25 से देखो कट जाएगा 4 बार, 25 से कट जाएगा 5 बार, 5 से 10 कटेगा 2 बार, 4 दुनी 8%, और ये आपके कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? चलो ये आंसर आप लोगों का होगा। जिस भी बच्चे ने ये आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर होगा। क्या आगे की ओर बढ़ सकते हैं? जल्दी से बताओ। चलो ये क्वेश्चन है अभी तक में थोड़ा सा, ये क्वेश्चन इजी सा बना अभी तक में, अच्छा है, मतलब कम कैलकुलेटिव है। जे और के 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको मैं करा भी जल्दी देता हूं, आप भी अपने स्पीड से इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम इसका लोगे तो 60 बनेगा, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार, दोनों मिलकर, तो आप बताओ मिलकर कितना भरेंगे? 7 यूनिट, और भरना कितना है? 60 अपॉन 7, इसी के अपॉन में 7 नहीं है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, तो ये वाला इसको सॉल्व कर लो, 8 7 56, 4 7, ये आपका उत्तर बन जाएगा, ओके। चलो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए जल्दी से, आप लोग कितना उत्तर बनने वाला है जल्दी से जल्दी बताइए। क्लास टाइम वैसे रेगुलर 9 PM होता है लेकिन आज थोड़ा डिले है आप लोगों के लिए, ताकि रूटीन में रहे और रेगुलर जल्दी हम लोग इन पेपर को कवर करके फिर हम लोग UPSI के पेपर शुरू करने वाले हैं। ड्यूटी से ही पढ़ रहे हो सर? चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इतनी मेहनत करें इतने शिद्दत से, तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो काम करते हुए भी साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अभी आर्मी वगैरह ड्यूटी वगैरह जो भी कर रहे हैं, BSF में, CRPF में, CISF में, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी इन क्लासेस को अटेंड करते हैं, और आप लोगों के जो मैसेज आते हैं, आज भी मैंने एक मैसेज शेयर किया था अगर आप लोगों ने कम्युनिटी टैब में देखा होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए थोड़ा क्या होता है गैप हो जाता है, 8 से 10 साल का जब गैप होता है तो सारी चीजें एकदम नए सिरे से शुरू करनी होती है। जैसे कैसे आप लोग छोटी क्लास में सारी चीजें पढ़ना शुरू कर रहे थे, वैसे ही उनको मैथ्स के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को एक बार क्लियर करना पड़ता है। तो अच्छा लगता है आप सब लोगों को ये भी हमारी चीजें समझ में आती है, तो उन सभी को मेरी तरफ से वापस जो भी आप एग्जाम की डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को। चलो तो यहां देखिएगा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है, एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ कमाता है, इसको और इसको बेचकर 300 का लाभ, पहली वस्तु पर, पहली वस्तु को उसने 30% लाभ पर बेचा तो दूसरी को किस परसेंट लाभ पर बेचेगा? देखो ये पहली वस्तु थी 200 वाली,
ये दूसरी वस्तु थी 600 वाली, और वो कह रहा भैया मेरा जो प्रॉफिट है टोटल वो 300 रुपए का। कितने का प्रॉफिट है? 300 का। लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें से मैंने जो 30% है वो मैंने सिर्फ फर्स्ट वस्तु पर कमाया, तो बताओ मैंने सेकंड पर कितना कमाया। तो ध्यान दीजिएगा यहां, अगर फर्स्ट वस्तु पर उसने 30% कमाया तो 200 का 30% कितना हो जाएगा बोलो? 60 रुपीज। इसका मतलब 300 में से 60 इधर कमाया है तो दूसरे पर 240 कमाया होगा। तो 240 कमाए, कितने रुपए की वस्तु थी बोलो? 600 की। परसेंट के लिए गुणा 100, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 40% होगा। यह आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। तो जिन्होंने भी 40% सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। चलो चलिए बढ़िया से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न की इतनी बड़ी लैंग्वेज देकर मत घबराओ, बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा पढ़ने की जरूरत होती है बस एग्जाम में। थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना जो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था, 24% वाला, कितना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर मात्र एक लाइन का। तो थोड़ा चीजों को समझना है। देखो एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल और हरे रंग के टोकन का अनुपात 5:11। तो देखो लाल और हरे रंग के टोकन का अनुपात, लाल और हरे रंग के टोकन का अनुपात 5:11, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15। देखो यहां समझना, पहले गुलाबी है बाद में लाल है। अनुपात में बोला जाता है बंटवारा हमेशा आए हुए क्रम के अनुसार होता है, तो पहले गुलाबी बाद में लाल है। तो देखो यहाँ लाल वाली वैल्यू कॉमन आ रही है, तो लाल का मान यहाँ पर दूसरे में 7:15 आ रहा है। इधर रखो, गुलाबी में इधर रख नहीं सकता, आपको पता क्रम टूट जाता है, तो गुलाबी की वैल्यू इधर रखनी पड़ेगी और गुलाबी की फर्स्ट वैल्यू 7 थी। चलो भी अब बताओ मैं इधर किसको बढ़ाऊं, तो आप सब लोग कहोगे 15 को, इधर किसको बढ़ाऊं तो आप कहोगे 5 को। लास्ट में हमें बोला गुलाबी और हरे का अनुपात, अब हमें लाल वाले अनुपात से कोई मतलब नहीं है, तो 7:35 एक मिनट कितना था लाल का अनुपात यहाँ? 15 था पहले में, 15 और 7 था गुलाबी और लाल का अनुपात, 7:15 ठीक है, 5:11 ओके। चलो अब देखो 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35, कोई दिक्कत नहीं। 11 × 15 तो 15 × 1=15, 15 × 16 = 165, इन दोनों का अनुपात लाना। तो यहाँ हरे की वैल्यू आ जाएगी पहले, बाद में गुलाबी, क्योंकि इसी क्रम से पूछा उन्होंने। तो ये हो गया 165, ये हो गया 35, 5 से वैल्यू कट रही कितनी बार? 7, तो 5 से देखो 5 दिया 15, फिर 33 / 7 जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। 33:7 जिन्होंने सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। चलो जिनका भी वापस सुनिएगा, लाल और हरे का अनुपात 5:11, गुलाबी और लाल का अनुपात 15:7, यहां पर मैंने 15 को आगे बढ़ाया, यहां पर मैंने 5 को, तो यहां से आया 35, यहां 165। पहले उन्होंने बोला हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बताओ, तो हरे का मान 165, गुलाबी का मान 35, हल किया तो हमारा उत्तर आया 33:7 ओके। चलो यहां देखिएगा, एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है, तो उस राशि का मान क्या होगा? यानी हम लोगों से यहां पर मूलधन के बारे में पूछा गया। चलो कोशिश करो एक बार, यहां पर आपको मूलधन बताना। अगर चलो आप मूलधन पता कर लोगे ना, तो फिर मैं आपको दर पता करना भी सिखा दूंगा। और इससे पहले जितने भी हमारे टेस्ट हुए उसको प्लेलिस्ट में मैंने जोड़ दिया है, सुपर 20 नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको देखिएगा जिनको भी इससे पहले वाले टेस्ट देखने। चलिए सर ये डिसलाइक करने वाले कहां से आते हैं? अरे डिसलाइक करने वालों को आने दो, यही लोग ही सिखाते हैं ना कि और मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है शिद्दत से, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना हो, आज कितनी लेट है फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं, तो आप चिंता मत करो, करने वाले जिनका ये काम है ना करते रहेंगे, निश्चिंत रहो।
कितना ही अच्छे से अच्छा वीडियो भी आप जाकर देखोगे ना, उसमें ऐसी संभावना आपको पूरी मिलेगी कि डिसलाइक वहां पर 100% होंगे। तो इनकी चिंता मत करो, ऐसे प्राणी होते रहते हैं जो देखते रहते हैं हमारे वीडियोस को। चलो, बाकी आप सब लोगों का इतना सारा स्नेह उसके सामने, वो कुछ भी नहीं है, मतलब मिनिमम से मिनिमम है हमारे चैनल पर, मिनिमम से मिनिमम। आपने नोटिस भी किया होगा इस चीज को, बाकी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल दुनिया है। एक ही व्यक्ति 10 मेल आईडी बनाकर भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलो, हाँ बिल्कुल, वो मोटिवेट करता है ना, बिल्कुल। चलो तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है हमारा कि 5 वर्षों में 457 रुपए और 10 वर्षों में 574 रुपए हो जाते हैं, तो अब बताना मूलधन राशि कितनी होगी। देखो, जब भी बोले ना इतने रुपए हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वो मिश्रधन को दर्शा रहा है, उसमें ब्याज जुड़ चुका है। तो यहां से यहां में मुझे आप ये बताओ गैप कितने का पड़ा, तो आप सब लोग कहोगे 5 का। और यहां से यहां में गैप बताओ, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 117 का गैप पड़ा। मतलब इसका मतलब हमने 5 साल एक्स्ट्रा दिए ना, तो हमें ब्याज भी 117 एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो आप बताओ, अगर 5 साल का ब्याज, 5 वर्षों का ब्याज 117 एक्स्ट्रा हो रहा है, और यही ब्याज यहां पर जुड़ा हुआ है कि नहीं, बताओ। आप चाहो तो 1 साल का निकाल सकते हो और फिर 5 से गुणा, पर सीधा हमें मिल रहा है कि भैया 5 वर्षों का जो ब्याज होता है ना, वो 117 रुपए बनता है। अगर इस मिश्रधन में से ये ब्याज घटा लू तो क्या मुझे मूलधन मिल जाएगा, बताओ। बिल्कुल मिलेगा, क्यों? क्योंकि मुझे 5 सालों का पता और वही इसमें जुड़ा हुआ है। 457 - 117 043 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलो, एक और चीज इंपॉर्टेंट बात सुना, बहुत ही काम की बात बता रहा हूं। चलो, मूलधन हमने पता कर लिया, काफी बार हमसे दर भी पूछ ली जाती है कि भैया चलो आपने मूलधन बता दिया, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताओ। तो कैसे पता करते हैं? ब्याज कितना लगा बताओ, 117। तो देखो, ब्याज इंटू 100 दर का तो यही तरीका होता है, बटे में मूलधन। मूलधन कितना था? 340 इंटू, आप बताओ ये ब्याज कितने साल का था? 5 साल, तो 5 से डिवाइड भी करना है। तो दर पता करने का क्या तरीका होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। चलो भी, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 कितनी बार? 2 बार, 2 से ये 17 बार। तो रिजल्ट आएगा 117/17% हमारी दर हो जाएगी। चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी समझने के लिए ये वाला क्वेश्चन होगा। क्लियर है? चलिए, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बढ़िया से चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। 2/5 + 4/15 / 3/5 - 2/5 का 3/12। तो सबसे पहले देखो, इस ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा, आपको ही पता है। तो एलसीएम क्या बनेगा? 15 बनेगा। 5 से 15 देखो, 3 बार, 3 का गुणा ऊपर 2 से तो 6, प्लस 15 से 15 एक बार और 4 से 2, बटे में देखो एलसीएम क्या बनेगा, समान हर बीन है तो 5 ही बनेगा। 3 - 2 तो 1 ही आएगा डायरेक्ट। और का मतलब गुणा लिख दो, 3/12, 3/12 को बोलो क्या बोलू मैं, 1/4 बोल दू, ठीक है। 6 और 4 होते 10/15 इंटू, आप बताओ जब ये दो वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी बोलो, तो आप सब लोग कहोगे 5/1 इंटू 1/4 तो था ही। चलो भी, 5 से 15 कटा 3 बार, 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 2 बार, 3 × 6, तो रिजल्ट आया फाइनली 5/6। देखो किस ऑप्शन में है, हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो जिस बी स्टूडेंट का आंसर 5/6 आ रहा है, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सी आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने। इस क्लास का टाइमिंग रेगुलर 9 PM होता है, आप कल ये क्लास 9 बजे देख पाओगे, लेकिन आज थोड़ा डिले हुआ था, इस वजह से हम लोग क्लास लेट कर पा रहे हैं। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, कितना आंसर होगा। यदि ए अपॉन रूट ऑफ 512 बराबर रूट ऑफ 162/a है, तो यहां से बताना आपको ए की वैल्यू कितनी होगी। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, जय श्री कृष्णा।
बहुत सारे बच्चे आज सेशन में पहली बार ऐड हुए होंगे, आप एक बार चैनल पर जो भी वीडियो सेशन से उनको देख सकते हैं, और आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके गणित के डर को खत्म करने में मदद कर सकता है तो डेफिनेटली फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, a अपॉन रूट ऑफ 512 बराबर में रूट ऑफ 162 अपॉन a, तो यहां वजह गुणा कर सकते हो ए स्क्वायर, तो रूट ऑफ 512 इंटू रूट ऑफ 162। अब देखो 512 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 512 कैसे लिख सकते हो ना, 2 × 256, क्लियर है, 512 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो 2 × 256 लिख सकते हो, और 162 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 81 × 2, कंफ्यूजन, ये इंटू तो है इनके बीच में, 256 किसका रूट होता है वो तो ये बता दो, 16 का, और 16 रूट दो, इंटू 81 किसका, 9 का, 9 रूट दो, तो बस रिजल्ट आ जाएगा, रूट दो इंटू रूट दो क्या बना बोलो, 2 बना, तो 16 × 9 × 2। लेकिन ध्यान रखना गलती से भी, ऐसे नहीं कि आप इनका गुणा करके ये रिजल्ट ये बता दो, ये वाला रिजल्ट नहीं होगा, ए स्क्वायर से जब वापस रूट स्क्वायर हटेगा तो एक रूट और लगेगा। ये जो अभी सॉल्व किया ना, ये तो हमने इन दो रूट को सॉल्व किया, समझ आई मेरी बात, वापस सुनो, 512 को मैंने 256 × 2 लिखा तो 16 बाहर आ गया, 162 को मैंने 81 × 2 लिखा तो बताओ 9 वैल्यू बाहर आ गई। अब सुनो, 16 9 रूट दो इंटू रूट दो, 2 बना, लेकिन जब ए स्क्वायर से स्क्वायर हटा तो रूट लगा, 16 किसका रूट होता है बोलो, 4 का, 9 किसका होता है 3 का, एक मिनट, 16 × 9 144 है ना, रूट दो इंटू दो, 256 हो जाएगा, 16 81 हो जाएगा, 9 रूट दो इंटू रूट दो, तो ये हो जाएगा 288, कितना बन जाएगा बोलो, 16 × 4 = 3 = 12, एक मिनट, चलो तो 16 × 9 × 2 तो ये हो जाता है टोटल 288, कितना हो जाता बोलो, 288, तो याद रख सकते हैं हम 288, देखो 16 × 9 होता है 144, √2 × √2 हो जाता है 2, ये 288, 288 को क्या लिख सकता हूं बोलो, 144 × 2, 144 किसका रूट होता है तो 12 √2 हमारा उत्तर बन जाएगा यहां पर, तो ये 144 नहीं होगा फिर, यहां 12 √2 आपका उत्तर बनना चाहिए, ओके बी आंसर, लिख दीजिए एक बार इसको, 512 से बिल्कुल 16 बन जाएगा फिर, ठीक है 81 से 9, चलो लिख दीजिए इसको जल्दी से, तो ये थोड़ा इसको संशोधित कर दीजिएगा, है ना, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कितना होगा, जल्दी से जल्दी बताइए, यहां पर आप लोगों के टाइम एंड डिस्टेंस का एक ये प्रश्न है, जल्दी से आपको बताना है, क्वेश्चन ये है कि महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 45 की बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना पड़ता है, तो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी कितनी होगी। अगर आप समझना चाहें तो एक तरह से देरी और पहले का जो प्रश्न आता है उसकी तरह ये क्वेश्चन होगा। चलो तो यहां ध्यान दीजिएगा, देरी और पहले के क्वेश्चन में यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, उसको बोलते हैं ABT/A-B, ए का मतलब पहली चाल, बी का मतलब दूसरी चाल, और टी का मतलब होता है टाइम डिफरेंस जो होता है। जब भी आपको देरी और पहले वाले प्रश्न होते हैं तब आपको ये ट्रिक फॉलो करनी होती है, ए का मतलब पहली चाल, बी का मतलब दूसरी चाल, और इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस। चलो पहली चाल कितनी है हमारे पास, 45, दूसरी चाल है 54, इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो कितने का है, 9 का। लेकिन अब सुनिए, टाइम डिफरेंस कितने मिनट का है, 12 का, लेकिन सिर्फ आप 12 मिनट नहीं रख सकते, क्योंकि यहां देखो किलोमीटर पर आवर है, तो इस यूनिट को हमें क्या होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ कन्वर्ट किससे करोगे बोलो, 60, तो 12 से 60 कितनी बार, 5, 9 से 54 6 बार, 5 से 45 9 बार, 9 × 6 = 54 किलोमीटर आपका आंसर होगा। बताओ ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में मौजूद है, तो जिसका भी ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम
राइट आंसर होगा। जल्दी से इसको बढ़िया से लिख दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं फिर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। ये भी आपके दीदी और पहले पर ही है, अब इसको आप सॉल्व करोगे एक बार, जल्दी से जल्दी बताइए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या करना है यहाँ पर। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता, तो बताओ कितनी दूरी तय करेगा। वही है, दूरी तय करने के लिए कौन से ट्रिक काम में लोगे बोलो, ये आएगा अपने एबीटी बटा ए माइनस बी। ये कौन से प्रश्नों में काम आती है, क्लियर हुई धीरे धीरे, ये आती देरी और पहले के प्रश्नों में। कौन से प्रश्नों में, देरी और पहले के प्रश्नों में। ए का मतलब पहली चाल कितनी है बोलो 42, दूसरी चाल 36 और डिफरेंस बोलो 6 का। टाइम डिफरेंस 2 मिनट पहले और 5 मिनट देरी से, तो कितना हुआ टोटल 7 हुआ, और बटे में 60 जरूर करना, क्योंकि हमें देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मिनट में नहीं रख सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो 6 से कैंसिल हुआ कितनी बार, 6 बार, 6 से ये कैंसिल हुआ 10 बार, 2 से बोलो 21 बार और 2 से बोलो 5 बार, तो 7 × 7 = 14 147/5। तो देखो 5 × 2 = 10, 9 × 5 = 45, 2 = 29.4 किलोमीटर। और ये बताओ आपके कौन से ऑप्शन में है, ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ये ट्रिक आपको फॉलो करनी पड़ेगी जब भी देरी और पहले का प्रश्न आए। ए का मतलब पहली चाल, बी का मतलब दूसरी चाल, और इनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा आप देख सकते हैं आराम से, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 6 का। क्लियर है, चलो ओके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे एमडीएच कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसका आंसर दीजिए। प्रश्न में बोलते हैं कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियों का निर्माण कर लेते हैं, तो समान समय में अगर 148 मोमबत्ती बनानी हो तो कितने लोगों को लगाया जाना चाहिए, एक प्रयास कीजिए। जल्दी से सर ऑफलाइन जोधपुर में कहां पर क्लास होती है, अभी देखो ऑफलाइन कहीं पर भी क्लास नहीं हो रही है, ऑनलाइन ही क्लास हो रही है मेरी मैथ्स की। चलो तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बनाते हैं, तो बोला है कितने कर्मचारी मैन 148 मोमबत्ती बना पाएंगे। आपको पता चला मैंने 111 और 148 को बटे में क्यों रखा, हमेशा ध्यान रखना है कि इस वैल्यू को बटे में इसीलिए रखना है कि रुपए और वस्तु जो होगी वो हमेशा बटे में आएगी, और एमडीएच बराबर हमेशा एमडीएच होता है। ये चीज जब एमडीएच पढ़ते हो तो ये चीज कराई जाती है आपको, क्लियर है। चलो तो यहां पर देखिए M का मान लाना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो 3 से कैंसिल कर दो, 3 से हो जाएगा 4 बार, 3 × 3 = 9, फिर कितना बचेगा बोलो 2 × 7 = 37, 37 का भाग इसमें कितनी बार जाता बोलो 4 बार, ये भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा, तो मैन का मान 4 × 4 कितना, 16 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। आप बताओ कितना ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक इंपॉर्टेंट बात और सुनना आप लोग, कभी कभी इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात ये सुनना है कि
यहां पर यह पूछ लिया जाता है कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, तो सिर्फ आप अगर 16 सोच लोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अगर हमें अतिरिक्त का पूछा है तो कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को दर्शाते हैं। तो पहले अगर 12 कर्मचारी थे, अब 16 है, इसका मतलब हमें कितने अतिरिक्त होंगे, 4 कर्मचारी अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न हमारे पास है, 34 पुरुष 12 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो 51 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, 34 पुरुष अगर काम को 12 दिन में करते हैं तो 51 कितने दिन में करेंगे। तो m इंटू डी बराबर m इंटू डी। इस बार पता चला मैंने बटे में क्यों नहीं रखा, क्योंकि या तो ना तो रुपए है और ना ही वस्तु है, रुपए और वस्तु का निर्माण होता तो हमेशा बटे के फॉर्मेट में आती। चलो 17 के पहाड़े में 2 बार, 17 के पहाड़े में 3 बार, 3 से 12 करता है 4 बार, 4 दुनी रिजल्ट कितना आ जाएगा 8, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है कि आपका उत्तर 8 बन रहा है, एक बार चेक कर लो जल्दी से, और यही कॉन्सेप्ट आपने सोचा या नहीं सोचा वो भी डिपेंड करता है। चल ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक रेल समान गति से चलती है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, वो कह रहे हैं हमने 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर लिया, और 430 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को हमने 23 सेकंड में पार कर लिया। अब आपको बतानी है उसकी चाल क्या होगी। मुझे एक चीज बताओ, यहां से यहां में कुछ एक्स्ट्रा दूरी हमने कवर की, और यहां से यहां में हमने कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाया, और चाल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए बोलो, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा दूरी एक्स्ट्रा समय में ली, अगर हम इसको पता कर लेंगे तो हम चाल को दर्शा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा दूरी कितना चले, तो आप कहोगे 50 और 30, 80 मीटर, 80 मीटर यही ना एक्स्ट्रा दूरी। समय कितना लिया एक्स्ट्रा बोलो, 8 सेकेंड। तो आप बताओ चाल बराबर दूरी बटा समय, 80 बटा 8, तो रिजल्ट आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ढूंढोगे आपको 10 दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि यहां बोला है कि आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 10 को 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5, और इसका रिवर्स करना है तो 5/18, 5 से कैंसिल 2 बार, तो रिजल्ट आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आप चेक कर लो आपके कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, एक बार इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थियों को ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, एक बार इसको अच्छे से देख लेना। अगर आज पहली बार आए हो तो इससे पहले के सेशन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और भी है जिनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट है जिसमें आपके 25 वीडियो है, सिद्धत से पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलने वाला है। उसके बाद आप लोगों के पास प्लेलिस्ट के अंदर शून्य से सीखा नाम का एक बैच है, जो बच्चा एक बार चीजों को बेसिकली पढ़ना चाहता है, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा बेसिकली पढ़ना चाहता है, ठीक है, इस बेसिक को पढ़ने के बाद आप चाहो तो उसको देख सकते हो, सारी चीजें वहां अच्छे से क्लियर कराइए। आरएस अग्रवाल की भी प्लेलिस्ट है, उसको भी देखिए, सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए गए, और जल्दी आप लोगों के लिए मैं और भी जो टॉपिक्स होंगे उनको लेकर आने वाला हूं, जो बचे हुए टॉपिक्स है। ओके चलो, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। प्लेलिस्ट में बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और साथ ही हमारे ऐप के ऊपर आपको सारे एग्जाम्स के अलग अलग एग्जाम के कोर्सेज उपलब्ध है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। 11 से 20 तारीख के बीच हमारे सभी बैचेस के ऊपर, मैथ्स के बैचेस के ऊपर डिस्काउंट रखा गया है। तो आप सब लोग पहले तो हमारी जो एप्लीकेशन है ट्रिकी मैथ्स को, प्ले स्टोर से जाइए और उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ओके चलो, तो सभी को वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूं, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, नहीं लगा होगा तब भी बता सकते हैं, और साथ ही पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारी ऐप के ऊपर चैट का जो ऑप्शन है उसमें बता सकते हैं। सभी को थैंक यू, गुड नाइट, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, गणित का डर खत्म कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।